Hello guys, I am Harshit. Moving to the 8th question, find the sum of the 51 term of an AP. 51 term find karni hai. 51 till SN find karna 51 terms tak ka. Yani S51 find karna hai. Theek hai. Uske baad whose second and third term, jiski second aur third term de rakhi hai. Second term de rakhi hai aapko kitni 14 और थर्ड टर्म दे रखी है आपको 18, ठीक है. फर्स्ट टर्म आप अपने आप उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है. इसका मोटा मोटा आपको यही निकालना है. अगर आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म है तो आप इसे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. कैसे, डिफरेंस क्या होता है, A3 - A2, पीछे वाला आगे वाला, ठीक. A3 कितना है, 18 - 14 कितना, 4. अब ऐसे लिखी हुई है कोई इक्वेशन, एपी लिखी हुई है 2, 4, 6, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, प्लस 2 करते चले जाते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 4 - 2, 2. अगर हम उल्टा आएंगे तो हम -2 करते हैं, उल्टा अपोजिट, साइन अपोजिट कर देते हैं. इसी सेम तरीके से अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 4 आ रहा है, अगर हम वापस जाएंगे A3 से A2, A2 से A1 तो -4 कर देंगे, यानी 14 - 4, 10. तो यानी A1 आपका कितना आ गया, 10, ठीक है. ये बात पॉइंट जरा समझने वाला पॉइंट है, यही पॉइंट जो है वो इसमें जो समझना है, ठीक है. A1 आ गया, N आ गया आपके पास, S फाइंड करना है किसका, 51 का, ठीक. डिफरेंस आपको दे दिया, इससे बढ़िया AN पहले फाइंड कर लो. A+N - 1 D, AN पता नहीं कितना है, A कितना है आपका 10, N कितना है 51 - 1, D कितना है 4. 10 + 50 × 4, 10 + 200 यानी 2000 आपका आ गया AN. अब आपको SN के फॉर्मूले में डालो, N/2 AN + A. N कितना है आपका, N है आपका 51/2, AN है आपका 2000 और A है आपका 10. भाई अब इसमें हमने 10 क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो बचा 200 + 1/2, 5. 5, 2, 5, 21, 201. इसको फर्दर सॉल्व करने का 5, 0, 5, 6, 1, 0 आएगा SN की वैल्यू, ठीक है. ये आपके SN की वैल्यू आ गई, N आ गया, A2 वगैरह वगैरह फाइंड कर करके अगर आपको ये क्वेश्चन देखा है 8th में तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन के अगली वीडियो पे जाएं.